अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर सिद्धू और आज का लोग करते हैं शुरू। आज मुझे सुबह सुबह ये खुशखबरी मिल गई है। खुशखबरी क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरा बुखार उतर गया तो भैंसों को भी बाहर बांधना था। अबू जी पानी डाल रहे हैं तो पानी डस जाता है तो फिर भैंसों को बाहर बांध के आएंगे। अबू जी मैं ठीक हो गया तो मैं इनको पानी दिखाता हूँ, आप कोई और काम कर लें। कितनी डेलियां लेके आनी है? दो ले आया। दो ले बड़ी बड़ी? ठीक है मैं लेके आता हूँ। ये है जी पड़ा हुआ गुड़ मिल ही गया, इसमें से दो निकाल लेते हैं, एक और दो, दो डेलियां ले ली हैं जी। ये लें जी अबू जी, पकड़े जी गुड़ और दें भैंसों को। दो मैंने पकड़ ली हैं, दूसरे बुझ लेके आ जाएंगे, मैं इनको फटाफट बांध के आ जाता हूँ। उस दिन तो मैं सब्ज घास लेके आया था मगर आज मुझे है खुशगास की जरूरत, वो ढूंढते हैं फटाफट उड़ लेके चलते हैं। यहाँ से ढूंढ लेते हैं थोड़ी सी घास सूखी, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, यही ले जाते हैं, थोड़ी सी पड़ी हुई है चेक करवा लेंगे। थोड़ी सी मुझे मिल गई है, देखते हैं यही ठीक है कि कोई और ले के आनी पड़ेगी। घास बिगड़ ले के आ गया हूँ मैं, इधर रख देते हैं। मुझे बस इतने से डब्बे की जरूरत है, वो भी ले के आते हैं, अंदर पड़े होते हैं। ये आज डब्बा मिल गया, ये घास थोड़ी सी इस डब्बे में रख देता हूँ मैं फटाफट। ये थोड़ी सी बच गई है, ये क्लीन भी ऊपर रख देते हैं। थोड़ी सी रूई की भी जरूरत है, वो भी फटाफट ले लेते हैं, पुरानी पड़ी हुई है तोड़े में बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी जरूरत है बस। अम्मी जी कह रहे थे यहां से ले लो, रखते हैं इसके ऊपर। आपको पता है कि मैं दो तीन दिन से बीमार था मगर भाई हमजा मेरे लिए क्या थे न्यू रैबिट्स, तो रैबिट्स ने मुझे दे दिया है खुशखबरी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज दिए हैं मेरे रैबिट्स ने, सुबह सुबह ही मुझे खुशखबरी दे दी है। चेक करें कितने प्यारे हैं, तीन बेबीज है, एक वो पड़ा हुआ है सामने, एक ये है और एक वो है। चेक करें माँ उसके पास आ रही है। काफी दिन हो गए थे, इनका हमने इंतजाम भी नहीं था कि यह मिट्टी में, मगर इनके केज में रख दिया था इनको, तो ये डब्बा जो सा मैंने बनाया इनके लिए बनाया है, इनके केज में रख देते हैं, बच्चे भी इसके ऊपर रख देते हैं, ये ऊपर बैठेंगे और इनको खुराक भी देंगे, ये डब्बा इनके अंदर रख देते हैं। सबसे पहले बच्चे निकाल लेते हैं। ये ले जी एक बेबी आ गया भाई, कितना प्यारा है। ये ले जी दूसरा भी आ गया जी, माशाल्लाह चेक करें दो बेबी हो गए हैं। ये ले जी तीसरा भी आ गया जी कितने प्यारे हैं, अभी छोटे छोटे से हैं, अब इनकी आंखें भी नहीं खुली, कान भी नहीं खुले। हमें नहीं था पता इन्होंने बेबीज दे देने हैं, तो दो तीन दिन हुए थे तो नहीं तो हमने इंतजाम कर लेना था इनका मिट्टी में, मगर अब इनका इधर ही इंतजाम कर देते हैं, इनको उठा के अब अंदर रख देते हैं। रख देते हैं जी अंदर। अभी मैंने डब्बा रखा है तो चेक करे खरगोश नहीं, और खरगोश ऊपर जाके बैठ गए हैं। ये तुम्हारे बेबीज का घर है, इधर ही रहना, ऊपर बैठे रहो, ऊपर आपके बेबीज नीचे ही हैं, आपके पास ही हैं, उधर ही हैं, रूह के नीचे हैं। चेक कर रहे हैं कहाँ गए हैं, वो आपके पास ही हैं, डब्बे को देख के डर गई हैं। वैसे उनको आस्ता आस्ता पता चल जाएगा कि हमारे बेबीज हमारे पास ही हैं।
ना पता अबू जी को और ना पता चाचे पेंडू को और ना पता भाई हमजा को। मैं सुबह सुबह मस्जिद में गया था, मस्जिद से आने के बाद मैं देखा और अंदर बच्चे थे, तो मैं अब जाता हूँ इनके लिए रोटी लेके आता हूँ, इनको रोटी डालता हूँ, इनको भूख लगी हुई है, सुबह सुबह का टाइम है, चेक करें बाहर आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं, चलो अंदर बाहर नहीं निकलना, तुम्हें रोटी ला के डालता हूँ मैं। अम्मी जी दे दे क्या बिट्स करी रोटी, ये पकड़ो लाए जी ये मिल गई है, छोटे छोटे रोटी के पीस करके रखता हूँ आगे, चेक करते हैं खाते हैं कि नहीं। हाँ तो रहा है पास चेक करे, इसके काम चेक करे, इसको खाने की पड़ी होती है, तुम्हें देने लगा हूँ, किसी और को नहीं देनी, तुम्हारी रोटी है। चलो इधर इधर रखें, उनके बेबीज के पास ही रख देते हैं, इधर खाओ, पानी भी लेके आते हैं, पानी भी नहीं है इनका अंदर। ये लो जी पानी भी आपके आपका पी लेना, ठीक है खा के पानी भी पी लें। डब्बा तो फिलहाल ऐसे रखा है, बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तो इसलिए भाई हम जाएंगे तो फिर पक्का इंतजाम करेंगे इनका। कबूतरों को भी खोल लिया, उनको भी दाना डाल दिया, खा रहे हैं। भाई हमजा जी भी आ गए, चारा लेके आके लेट गए हैं, इनको बता देते हैं। भाई हमजा जी एक खुशखबरी सुन ले, उठे तो सही, तो मैं कान उठ के खोलने ऐसे मुझे इतना ही देर है, उठ के खुल जाएंगे ना, खड़े हो ना बैठे, टांग दर्द कर रही है, टांग आपके अब दर्द करनी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूछो। हाँ जी क्या लाख सब्सक्राइब हो गए हैं? लाख नहीं, वो जो आप खरगोश लेके आए थे ना, उनमें से एक जो होनी उसको पता नहीं क्या हो गया, क्यों देख लेना जाके उसके पास क्या हुआ है, गोभी सही है, जो भी सही है, जाए ना उसके पास देखे ना क्या हुआ है, की कीता तेनु आख्या सी, ध्यान रखा था, ध्यान तो हमने रखा था, आप खुद भी देख लेना क्या हुआ है, वो तो सही चंगा बोला, हाँ तो एक को तो इधर रखा हुआ है, एक वो भी है, चेक करे ना क्या हुआ है, हमने तो देख लिया है, डब्बा क्यों रखा अंदर, देख लेना खुद ही डब्बा क्यों रखा हुआ है, खुद ही देख ले आगे जाके, ऐसे तो नहीं ना दिखाई देना कुछ भी, क्या है डब्बा रखा है अंदर, उड़ गया है, अंदर से दरवाजा खोल के देखेंगे तो फिर मिलना क्या, ऐसे मिल जाना है, देखते हैं आज आपको कुछ मिलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं अंदर, डब्बा खींच के देखे ना क्या है अंदर, कुछ भी नहीं है डब्बे में, रूम उड़ा रखा है, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया, और नहीं आप आपको हमने कुछ बताना है, ये देखें, ये देखें, ये क्या है, मुझे पहले पता था, भाई ने आखा था, पर आपको तो नहीं था ना पता कि इस दिन इसने बेबी दे देने हैं, चलो इनको नहीं था छेड़ते, हाँ जी उधर रख दो उसके पास ही, उसकी पार्टी तो बनती है ना, कैसी पार्टी, कौन सी पार्टी, अब खिलाओ हमें जलेबी, कौन सी जलेबी, खरगोश ने दिए हैं न्यू बेबी, खवा देंगे आपको, कौन सी बड़ी बात है, जल्दी खिलाओ, ठीक है जी, बड़क हुआ मशरूम, अब ध्यान रखो इनका, इनका बहुत ध्यान रखना है, अब मैंने भाई हमजा कह रहे हैं तुम्हारे खरगोशी ने दी है न्यू बेबीज और हमें खिलाओ जलेबीज, तो भाई हमजा भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, उनको भी खिला देंगे जलेबीज, अभी अब्बू जी भी आते हैं और चाचा पेंडू भी आता है, उनको भी दिखाते हैं, उनके भी रिएक्शन चेक करते हैं क्या होते हैं, सामान सारा हमारा इधर ही बाहर ही पड़ा हुआ है, बारिश आई थी शाम को तो गीला हो गया थोड़ा थोड़ा, देखते हैं कब हमारा मास्टर के ही तैयार होता है, न्यू आज देखते हैं कि हमारा मास्टर के ही तैयार करने वाला आदमी आता है कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी जल्दी आए और हमारा मास्टर के जल्दी जल्दी हमें तैयार करके दे, हम मोर परिंदे लेके आए और उसके अंदर रखें, थोड़ा सा मैंने कहा कि गोबर भी फेंक आते हैं, उस दिन का मैंने डेडी को भी नहीं हाथ लगाया, आज लगा ही लेते हैं।
गोबर फेंक के मैं आ गया हूँ। तो अब इंतजार है मैं हमारे मास्टर के अंकल का, जो जिन्होंने तैयार करना है उनका इंतजार है, वो आते हैं और देखते हैं कब हमारा मास्टर के तैयार होता है। तो इस लोग को करते हैं यहाँ पे एंड। यही थी जी मेरी आज की वीडियो। यकीन आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और आमिर सिद्धू के चैनल के 30,000 सब्सक्राइब फटाफट करा दें। अल्लाह हाफिज़।